से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 10 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। योहन एक दर्शन देखते हैं, स्वर्ग से एक शक्तिशाली दूत नीचे उतरता हुआ, वो पृथ्वी पर और समुद्र पर अधिकार रखने वाला। उनके हाथ में एक खुली किताब था, एक नया काम योहन को दिया गया। वो दूत के पास जो किताब था उसको जाकर के ले लो और उसको खाने का। खाने में मीठा लगेगा लेकिन वो पेट में कड़वा लगेगा। हम लोगों ने मनन चिंतन किया, स्वर्ग राज्य प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के लिए जो प्रदान किया वो खुशी का एक संदेश है। उसको पाने के लिए हम लोगों को जो कष्ट पीड़ा सहन करना है, ईमानदारी का, पवित्रता का, और ईसा मसीह जिस प्रकार विनम्रता, उस प्रकार का विनम्रता का, सेवा भाव का कार्य करते हुए जीने के लिए थोड़ा कष्ट पीड़ा सहन करना है, वो है कड़वाहट। एक ही समय पर जो स्वर्ग राज्य पाने के लिए, स्वर्ग राज्य की खुशी भी है लेकिन उसको पाने के लिए हमें जीवन जो जीते हैं उसमें थोड़ा कठिनाइयां भी है। और वाक्य 11 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, ईश्वर ने उन्हें एक नया कार्य करने के लिए भेजा। क्या कार्य था? वाक्य 11 में अध्याय 10 रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 11, तब मुझे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। हम लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 के अंदर पढ़ते हैं, जो कुछ तुम देखेगा, जो कुछ तुम सुन रहा है, वो सब कुछ लिखो कर करके। यहां पर अध्याय 10 का वाक्य 11 में बोलते हैं, लिखना नहीं बल्कि तुम्हें घोषणा करना है, बताना है। इसका मतलब केवल लिखना नहीं, हमें घोषणा भी करना है, संदेश वाहक बनना है। अभी अध्याय 11 के अंदर दो साक्षियों के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 1 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर की बाहरी प्रांगण को छोड़ दो, उससे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रोनते रहेंगे। मैं अपने दो साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहे। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, संत योहन को अभी एक और काम दिया। अध्याय 10 के अंदर पुस्तक खाने का और भविष्यवाणी करने का आदेश मिला, यहां पर उनको एक मापक दंड दिया, एक सरकंडा दिया, नापने के लिए बताया।
क्या नापने के लिए बोला? मंदिर को नापना है, वेदी को नापना है और वहां के आराधकों को नापना है। यदि हम इसको सही रूप से एक बार और पढ़कर के देखें, हमें मालूम है ये प्रकाशना ग्रंथ करीब एडी 100 के आसपास लिखा गया, एडी 100 के आसपास। उस समय वो यरूशलेम मंदिर नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है इतिहास में एडी 70 में जैसे ईसा मसीह ने भविष्यवाणी किया था, यरूशलेम मंदिर को पूर्ण रूप से तोड़ दिया, नष्ट किया गया। आज भी वो यरूशलेम मंदिर नहीं है, वो तोड़ा गया। तो यहां पर योहन से कहते हैं, तुम सरकंडा लेकर के मंदिर को, उसके वेदी को और उसके आराधकों को नापो, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, जहां जो मंदिर ही नहीं है उस मंदिर के विषय में क्या कहा है। यदि हम लोग नया विधान के अंदर कई जगहों पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, विशेषकर कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 3:16-17 के अंदर ईश्वर का वचन पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते हैं आप ईश्वर का मंदिर हैं? ईश्वर के मंदिर के रूप में यहां पर संत पौलुस लिखा है। इसके बाद एफेसियों का पत्र अध्याय 2:19-22 तक अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर ईश्वर के मंदिर को दूसरे एक प्रतीक के रूप में लिखा है। उसी प्रकार पेत्रुस का पहला पत्र का अध्याय 2:5 में भी मंदिर का माने कलीसिया। आज मंदिर ईश्वर का, ईश्वर विश्वासी जो ईश्वर में रहता है, इसका मतलब यहां पर लिखा है जो आराधकों का जो समुदाय, वो जो यरूशलेम मंदिर था वो एडी 70 में टूट गया, लेकिन आज प्रभु में जो जीवन जीते हैं, प्रभु का जो आराधक बन करके जो जीवन जीते हैं, उन्हें ये जो मंदिर कर करके लिखा है। इसके बाद लिखा जो मंदिर को नापने के लिए, वहां पर बोलते हैं आंगन को नापने का जरूरत नहीं। वो क्यों है? वो आंगन किसी और के हवाले कर चुका है, करके गैर यहूदियों के हवाले कर रहे हैं। मतलब ईश्वर विश्वासी नहीं, गैर यहूदी लोग उस जगह को रौंद डालेगा करके लिखा हुआ है। यदि हम देखें यरूशलेम मंदिर को तोड़ा कोई यहूदी नहीं, गैर यहूदी राजाएं, नबुकदनेस्सर के सेनाएं, इस प्रकार गैर यहूदी लोग रौंद डाला। जब राजा नबुकदनेस्सर के सेना यरूशलेम में प्रवेश किया तो वहां पर जितने भी यहूदी लोग थे यरूशलेम मंदिर की ओर भागे, और उन लोग आगे बढ़ता हुआ देखा, इवन आंगन में भी आया, तब भी यरूशलेम मंदिर के अंदर कहते हैं पूजा चल रहा था, बलिया अर्पित कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं ये गैर यहूदी लोग इस मंदिर के अंदर भी घुसेगा, उसको नष्ट कर देगा। रोंद डालने के विषय में ये लिखा हुआ है, और यहां पर कुछ समय के विषय में भी लिखा हुआ है, यह है 42 महीनों तक रोंदने का। और उस 42 महीनों तक, उस 42 महीनों तक अगला वचन में वाक्य 3 में लिखा है, दो साक्षी के विषय में, वो उतना समय तक टाट ओढ़ करके भविष्यवाणी करने का। यहां पर सबसे पहले 42 महीना लिखा, इसके बाद 1260 दिन लिखा, वो फिर से 42 महीना है। यदि हम लोग इसी प्रकार देखेंगे कई जगहों पर इस अवधि, इस समय को लिखा हुआ मिलेगा, 3.5 वर्ष या 3.5 दिन, ये सब लिखा हुआ भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है 3.5 वर्ष?
यदि हम लोग ये प्रकाशना ग्रंथ का ही अध्याय 13:5 में और अध्याय 11:3 में हम लोगों ने देख लिया, और अध्याय 12:6 में और 14 में, यहां पर सब इस प्रकार 42 महीने के विषय में, 1260 दिन के विषय में, या 3.5 दिन या वर्ष के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। ये सब एक ही है, एक ही पीरियड है। 42 महीना बोलो या 3.5 वर्ष बोलो या 1260 दिन बोलो, ये सात जो संख्या, जैसे संख्या के विषय में हम लोगों ने पहले क्लासों में मनन चिंतन किया है, सात पूर्णता का संख्या है। 3.5 इसका मतलब उसका आधा, उसका आधा का मतलब हो गया वो कष्ट पीड़ा का समय है। बाइबल के अनुसार इसका मतलब ये जो 42 महीना हो या 1260 दिन हो या 3.5 वर्ष लिखा हुआ, ये सब जो सात का आधा भाग को दिखाते हुए, इसका मतलब पीढ़ाओं के समय को दर्शाते हैं। इसको देखने के लिए हम लोगों को दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 7:25 में, दानियल चैप्टर 7:25 एवं दानियल चैप्टर 12:7 में, अध्याय 12:7 में इसके विषय में लिखा हुआ है, वो पीढ़ाओं के समय के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। ये एक और बात की ओर भी इशारा करते हैं, BC 168 दिसंबर माह से लेकर 165 जून तक बीसी का है, इसलिए 68 पहले, इसके बाद बीसी में 65 बाद में आता है। ये 3.5 वर्ष तक सीरिया के राजा अंतियोकस चौथी ने यरूशलेम मंदिर को अशुद्ध किया और इसराइली लोगों के विरुद्ध में घोर पीड़ाएं दिया था। ये 3.5 वर्ष इसकी ओर भी ये इंगित करता है, इशारा करता है। और राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 17:18 में हमें इस प्रकार का जो इशारा मिलता है, कष्ट पीड़ा का ये समय के विषय में। और ईसा मसीह ने स्वयं लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 में उसके विषय में लिखा है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 एवं 18 के अंदर 3.5 वर्ष पीड़ाओं का क्या था, नबी एलिया से जुड़ा हुआ है। एलिया ने एकदम घोषणा किया, जब तक मैं नहीं बोलूंगा पृथ्वी पर ना पानी बरसेगा ना ओस गिरेगा। और ईसा मसीह ने भी वही साक्ष्य दिया लूकस का सुसमाचार अध्याय 4:25 में, उन दिनों में 3.5 वर्षों तक ना पानी बरसा ना ओस गिरा। एलिया ने इसके बाद फिर आग्रह के साथ जब प्रार्थना किया तब फिर बारिश हुआ था। तो वो कष्ट पीड़ा का वो जो समय 3.5 वर्ष नबी एलिया की ओर, जो पुराना विधान के ये वो जो समय की ओर भी ये इशारा करते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 21:24 के अंदर भी ये जो गैर यहूदी लोगों के द्वारा ये जो यरूशलेम पवित्र नगर का अशुद्धता होने के विषय में एक भविष्यवाणी है। और प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है, जो नगर है यरूशलेम नगर, नया यरूशलेम को भी अध्याय 21 के अंदर बताते हैं। ये जो नगर है ये कलीसिया का एक प्रतीक के रूप में प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। और विजातियों के हाथ में, गैर यहूदियों के हाथ में उसको
रोंधने का जो अवसर जो दिया है वो उनके द्वारा, उन राजाओं के द्वारा, उन सम्राटों के द्वारा लोगों को जो पीड़ाएं, जो कष्ट सहन करना पड़ता है इसकी ओर इशारा भी है। और साथ ही साथ दो स्वर्गदूत, स्वर्गदूत ने दो साक्षी लोग, दो साक्षी आकर के उन दिनों में भविष्यवाणी करता हुआ वो उन समय पर जो धार्मिक जीवन जी रहा है और उन्हें मिलने वाला जो अनुग्रह कृपा की ओर भी ये इशारा है। ये दो का संख्या क्यों है? क्योंकि डिट्रोनमी चैप्टर 19 वर्स 15 के अंदर विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 15 के अंदर मूसा नबी के द्वारा जो नियम दिया गया, किसी भी बात का प्रमाणित करने के लिए दो व्यक्ति होना जरूरी है। जब तक दो व्यक्ति कम से कम नहीं होगा वो प्रमाणित नहीं कर सकता। इसके अनुसार ये दो लोगों के विषय में यहां पर दो साक्षी के रूप में यहां लिखा, और वे टाट का वस्त्र ओढ़ने के विषय में लिखा। टाट का वस्त्र ओढ़ने के विषय में, टाट का वस्त्र पश्चाताप का, प्रायश्चित का और मन परिवर्तन का चिन्ह है। इसका मतलब ये जो भविष्यवाणी करेगा किस कार्य के लिए, पश्चाताप करने के विषय में, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और प्रायश्चित करो, मन फिराव करो और प्रभु में वापस आओ, इसका भविष्यवाणी करने वाला दूत के रूप में ये दो साक्षी को बता करके दे रहा है। और वाक्य 4:5 को अगर हम पढ़ करके देखें वहां पर भी कुछ बातें हम लोगों को बता करके दे रहा है। वहां पर लिखा है ये साक्षी वे जैतून के दो पेड़ और दो दीपातार है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पर पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर इस प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार मिला हुआ है। तो अधिकार प्राप्त दो साक्षी है करके बोलते हैं। इसमें सबसे पहले बोलते हैं जैतून की दो पेड़ है, दो दीपातार है करके। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 4:2-3 की ओर ये इशारा करता है। सक्रियस चैप्टर 4:2-3। और यदि हम लोग यहां देखें यहां पर आग के विषय में लिखा है, उस आग हमें मालूम है नबी एलिया के विषय में जो 3.5 वर्ष एलिया ने घोषणा किया ना पानी बरसेगा ना होश गिरेगा, इसका मतलब पानी के ऊपर पानी ना बरसाने का इनका अधिकार 3.5 वर्षों तक इन्हें अधिकार मिला है। इसलिए कई लोग सोचते हैं राजाओं का ग्रंथ उसके अध्याय 1:9-14 तक और राजाओं का पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17:1 आदि में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं, अग्नि के विषय में और सूखे के विषय में, ये एलिया से संबंधित है। उसी प्रकार आगे लिखा है पानी को रक्त में बदलने का, महामारी भेजने का अधिकार वो कहां मिलेगा? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 10 तक
दस विपत्तियां मूसा नबी के द्वारा जो इसराइल मिस्र देश में जो हुआ था इसकी ओर ये इशारा है। इसलिए कई लोग ये भी बोलते हैं ये दो साक्षी नबी एलिया है और नबी मूसा है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर और पवित्र बाइबल के अंदर ईसा मसीह को इस प्रकार कहीं भी हम लोग नहीं देखते हैं। सॉरी, ईसा मसीह को मूसा नबी के साथ जोड़ता हुआ हम पाते हैं। ईसा मसीह का जीवन मूसा ने जो किया, मूसा नबी मिस्र देश की गुलामी से इसराइलियों को छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला व्यक्ति के रूप में, उसी प्रकार ईसा मसीह पाप की गुलामी से, शैतानी गुलामी से मानव जाति को बचाने वाला मुक्तिदाता के रूप में दर्शाया है बाइबल के अनुसार। और प्रेरित चरित्र अध्याय 3:21-23 तक इस प्रकार ईसा मसीह को मूसा नबी के साथ जोड़ते हुए बताता है। उसी प्रकार ईसा मसीह ने स्वयं कहा जो एलिया जो आने वाला वो योहन बपतिस्ता है करके, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9:13 में ईसा मसीह ने कहा वो एलिया आ चुका है, जो मार्ग दिखाने के लिए जो आने वाला वो आ चुका है। अर्थात वहां इशारा था योहन बपतिस्ता की ओर। तो योहन बपतिस्ता की ओर और ईसा मसीह की ओर जब बाइबल ने इन दोनों को बताया, इसलिए उसी प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ये एली और मूसा नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है? हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। यदि ये दो साक्षी मूसा और एली नहीं है तो फिर कौन है? क्योंकि नए विधान के अंदर मूसा ईसा मसीह का प्रतीक और एली नबी एलिया योहन बपतिस्ता का प्रतीक के रूप में बताया गया है। इसी वजह से ये दोनों वे नहीं है, ये है अधिकतर बाइबल पंडितों का मत है और कैथोलिक कलीसिया भी इसी प्रकार सिखाते हैं। हम लोग अगले क्लास में ये दो साक्षियों के विषय में ये कौन है इस प्रकार अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम आंख बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया योहन को एक नया कार्य दिया गया कलीसिया को नापने का और उसके आंकन को छोड़ने का। कलीसिया के अंदर जितने लोग है उसको नापेगा, अर्थात वो उद्धार पाने वाला, और उसके बाहर जितना भी, इसका मतलब मसीह में जो विश्वास नहीं करेगा वो बाहर के लोग हैं, उन्हें दंड मिलने के विषय में, रोंदने के विषय में, जो चर्च उसके अंदर जो मंदिर लिखा वो विश्वासियों का, वो समुदाय कलीसिया जो विश्वासियों के समुदाय जो मसीह में जीवन जीते हैं उनका वो समुदाय वो नापा जाएगा। वो आश्वासन का समय है उनके लिए। लेकिन जो 3.5 वर्ष के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया वो जो बाहरी लोगों के लिए रोंदने का समय है, कष्ट पीड़ा का समय रहेगा। दो साक्षी कौन है आगे हम लोग मनन चिंतन करेंगे। समर्पित कीजिए अपने जीवन को, अपने विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु से सहायता मांगे। पवित्र आत्मा हम सबों पर उतरावे, हमारे रोग कष्ट पीड़ाएं दर्द चिंताएं सब कुछ समर्पित करें। प्रभु के वचन के अनुसार जीने का एक निर्णय कीजिए। इन कष्ट पीड़ाओं का उत्तर प्रभु में आना है, प्रभु में रहना, प्रभु में जीना है, निर्णय कीजिए। इसके द्वारा हमें शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। प्रभु के संकति में रहना सबसे शांति खुशी का आनंद की बात है। निर्णय कीजिए प्रभु के साथ जुड़े रहने का, कलीसिया से जुड़े रहने का।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।